आई होप कि अभी आवाज़ जा रहा होगा क्लियरली। एक बार बता दीजिएगा टीम इज इट ओके और नॉट। कई चीज़ों पर बात करेंगे आज, एक तो आपके पॉइंट्स जो है उस पर हम बात करेंगे, और कट ऑफ से रिगार्डिंग कई लोगों को कन्फ्यूजन है उसके रिगार्डिंग, क्या रीजन है लो कट ऑफ जाने का उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, और आपका टोटल गणित भी जानेंगे, और ओमार सीट में गलती है तो बाहर हो जाएंगे किस रीजन के कारण, और फाइनल आंसर की कब आएगा, इस सारे चीज़ों पर हम अभी डिस्कस करेंगे। जितने लोग ज्वाइन करते जाएंगे एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। चलिए एक एक चीज़ इसको डिस्कस करते जाएंगे। आई होप कि क्लियरली सभी लोग को जा रहा होगा। कई लोग का क्वेश्चन आ रहे थे और अलग अलग लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाया, जो भी इन्फॉर्मेशन या मिसगाइडेड किया गया उसके लिए क्लियरिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कई लोग बोल रहे थे सर बीएड के साथ कट ऑफ बताने के लिए, तो इसी में हम इसमें भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, हालांकि उसके लिए सेपरेट वीडियो हम डाल देंगे। डोंट नीड टू वरी, एक बार जितने भी लोग ज्वाइन करते जाएंगे बताते जाएगा। चलिए चलते हैं आपके मेन पॉइंटर्स पर। देखिए सबसे ज़्यादा अभी क्वेश्चन आ रहे ओमार में जो गलती होगी, क्योंकि मेरे पास भी व्हाट्सएप है, हम आपको चेक कर पाएंगे। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जैसे कि मधु है, यादव, या फिर कई ऐसे अभ्यर्थी जिनके ओमार सीट में बॉलिंग करना छूट गया है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ए बी सी डी या गर्ल्स के लिए ई एफ जी एच था, अगर ओके नाउ द पॉइंट इज क्या क्या चीज़ें हो, जैसे ए बी सी डी बॉयज को बढ़ना था और उन्होंने सिर्फ ए डाला और बबल करके नहीं आया, तो इसमें क्या होगा आपका ये सिनेरियो बनेगा। ए बी सी डी ई इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा जिसमें नंबर आपको प्राप्त होगा तो वही आपका कंसीडर करके आपको फाइनल आंसर की में आपको ऐड ऑन कर दिया जाएगा। सेकेंड चीज़ अगर ये हो सकता है आपका मैनुअल कैलकुलेशन किया जाएगा, यानी ए बी सी डी आगे जो भी सामने वाला ज़्यादा मतलब हो आपके ए बी सी कैलकुलेट किया जाए, जैसे आपके सामने ए दिया होगा और आपने बी का, तो उसके हिसाब से भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो सीरीज के बारे में ये कन्फर्मेशन है, सीरीज में अगर बबल नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार टीम को मैं शेयर कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। अगर आपके रोल नंबर में ऊपर नीचे हो गया है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। रोल नंबर अगर ऊपर नीचे हो गया और आपको इशूज है कि अगर आपने जैसे ए 1 2 3 4 5 6 68 का आपका रोल नंबर है और आपने बबल कुछ और कर दिया, तो आपके आंसर आपको मे भी दिक्कत हो जाएगा और रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा। बीपीएससी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ये कन्फर्मेशन है कि आपको टेंशन नहीं लेना है ए बी सी डी अगर आपने बबल नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुआ और लोगों ने इतना नहीं सोचा था कि ये सारी चीज़ें होंगी, और जिस ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, रोल नंबर अगर आपने उल्टा पुल्टा दिया है और उसको बबल किया तो उसमें दिक्कत आ सकती है, इसके लिए मैंने कन्फर्मेशन दे दिया। फाइनल जो आपका आंसर किया आएगा उसमें कई लोग बोल रहे थे सर ये कब तक आएगा, तो इसका मैक्सिमम आपका टाइम है 10 से 15 तक के बीच में। इसमें आपको रिजल्ट भी वही आपको दिया जा रहा है न्यूज की तरफ से कि आपका 10 से 16 तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो इससे पहले आपको फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगा। 10 तारीख से में भी चांसेज है, 10 से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें पूछ रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर जब या फिर आपको फाइनल आंसर की में नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो चांसेस है कई लोग बोल रहे हैं 2 से 3 नंबर बढ़ेगा, कई लोग 4 से 5, कई लोग बोल रहे हैं अपने अनुसार वो 10 नंबर तक भी बढ़ाने की कोशिश, वो अपने एनालिसिस के बेसिस पर बोल रहे हैं। एनी हाउ कम टू पॉइंट, नेक्स्ट आपको पॉइंट इस तरह से रहेगा कि जितना जा सकता है कट ऑफ ओके, कितना अगर जनरल में इतना से कम है तो बाहर चले जाएगा, नो डाउट इतने से ये है। आपको फाइनल आंसर की पर आपको डिस्कस कर देते हैं, जितने भी लोग ज्वाइन करते जाना है फर्स्ट टाइम आपको लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिएगा, क्योंकि इतना नाइट में कि बिना नोटिफिकेशन के मैं आया, अगर आप फिर भी आ रहे हैं दैट्स अ गुड थिंग्स। उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर जल्दी ही हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए ये पॉइंटर्स आपका इस तरह से रहेगा, आपके जो भी क्वेश्चन रहेगा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है आपके पॉइंटर्स इस तरह से, देखिए आपका कट ऑफ है इस तरह से रहेगा, और उनमें भी कई लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, कई लोगों ने इस पर अच्छे से डिस्कशन भी नहीं किया होगा। पीआरटी के लिए ए टू जेड लाइव कोडिंग इंडिया की तरफ से ज्यादा एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। अगर मेल है तो आपको 54 से 59 के बीच में एक दो नंबर इस पर और कम जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर आप 50 से कम या 52 से कम है तो आप जनरल में मत मानिएगा कि आपका सिलेक्शन होगा। फीमेल में सिमिलरली अगर आप 48 से कम है तो दिक्कत हो सकती है, 48 से 52 तक जाएगा। ईडब्ल्यूएस में मेल की बात करें तो 47 से 51 तक रहेगा, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं इस पर 55 जाएगा, फिर 60+ जाएगा, तो उनको जानना चाहिए कि इसके बाद सेपरेटली बिहार के सिर्फ ओरिजिनल रिजर्वेशन है, तो उसमें कोई किन्हीं लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए।
48 से या 45 से लेकर के 51 तक है, 50 तक है, तो चांसेस बनती है। फीमेल में वही 44 से लेकर 49 तक रहेगा। EBC2 के लिए देखेंगे मेल में 44 से 49 तक रहेगा, फीमेल के लिए देखेंगे 42 से लेकर 46 तक रहेगा। BC में रहेगा मेल के लिए 45 से 49 तक, और अगर फीमेल में तो चार नंबर कम कर लीजिएगा, 41 से 46 तक रहने की संभावना। अगर SC कैटेगरी की बात करें तो 43 से 48 रहेगा, फीमेल के लिए 40 से 45 तक रहेगा, और ST के लिए 44 से 48 रहेगा फीमेल में, और 42 से 46 रहेगा। इसमें जो एनालिसिस है और ये बेसिस बनाया गया है, आपके जो भी पोल है उसके बेसिस पर नहीं बनाया गया। लोग क्या करते हैं, और भी लोग सिर्फ पोल के बेसिस पर आकर के 54% 60% ला करके उसी के बेसिस पर वो कटअप बता रहे हैं, जो कि सरासर गलत मुझे लगा। और मैंने भी पोल करवाया था जो कि मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं लगा, उसमें संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि वो उसमें अगर 120 का भी ऑप्शन देते हैं, 150 का भी ऑप्शन देंगे, 5 से 10% ऐसे होते हैं कि जो को उसको भी क्लिक करके चले जाते हैं, और बीएड वाले और डीएलएड वाले भी उसमें क्लिक करके चले जाते हैं। इवन अनकंपटीशन वाले जो उसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो भी क्लिक करके चले जाते हैं। एक्चुअल डाटा हमें प्राप्त होता है आप लोगों से बात करने से। आपको पता है कि मैं डेली के डेट में 6 से 10 के बीच में, और फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन आपको मैं बात करता हूँ लगभग पर डे 10, 12, 15 या उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पर डे 100-200 लोगों का कॉल्स रिसीव किया हूँ। कई लोगों का मैसेज अभी भी मेरे पास इनबॉक्स में, व्हाट्सअप में और पड़ा हुआ है, और आप लोग के कमेंट्स में देखता हूँ हर एक वीडियो में। आप मेरे जो वीडियो आप में कमेंट्स करते हैं सारा समराइज करके इसको बनाने की कोशिश की होती है। ये मेरा बेसिस था, आप बताइएगा इसमें कोई चेंजेस होगा तो आप बता सकते हैं। ये सारे रीजन्स हैं जिसके कारण आपका कट ऑफ नहीं जाएगा उससे ज़्यादा। बीएड एक तो वही 13.9 लाख जो है वो बाहर हो चुकी है, और सीटेट पेयरिंग वाले जो कि 7% ही बिहार में पास है, मे भी इसमें के कई रिपीटेड होंगे जो 2021 2022 में भी पास होंगे, 3-4 बार देने वाले होते हैं, तो वो भी कम जाएंगे। अपेयरिंग वाले थे, और नेक्स्ट अपेयरिंग जो डीएलएड वाले, उनका रिजल्ट नहीं हुआ प्रकाशित, और किसी रीजन्स के कारण वो उनका रिजल्ट अभी नहीं हुआ, या फिर किसी रीजन से वो अभी तक उनका एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ। कई से हैं जो कि अदर स्टेट वाले हैं, उनका एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ, तो उनका डीबी में कोई दिक्कत हो गया, डॉक्यूमेंट्स फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है, ये सारे रीजन्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन पेपर लेवल, नो डाउट आप लोग को पता है PRT 1 में आपको 1 to 5 में सबसे ज़्यादा टफ आया था, और जो कि लेवल होना चाहिए, ना तो सिलेबस डिसाइडेड था आपका कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, टाइम भी कम मिला था। ओमार सीट आपको कई लोगों ने गलती भी कर दिया, और जो 120 नंबर बबल करना था 2-4 नंबर इसमें भी किसी न किसी कारण से कई लोग का छूट गया। लेंदी को मैथ्स और रीजनिंग का पेपर था, ये नहीं कि आपको देखते ही आंसर मिल रहा है, और या फिर ऑप्शन से आंसर निकाल लेंगे। 5 ऑप्शन दिया हुआ था, 1 ABCDEFG ई एफ तक, आपको ई तक ऑप्शन था, तो ये नन ऑफ दिज और ऑल ऑफ द अबव एक से अधिक वाला ऑप्शन बहुत लोगों को परेशान किया। सीट की संख्या ज़्यादा है इसलिए आपका कट ऑफ कम जाएगा। अगर सीट की संख्या इसी में 1000-2000 जैसे KVS में होता है, सीट में बहुत कम होता है, मैक्सिमम कट ऑफ वहाँ पर 55 से लेकर 60% तक जाती है। ये सारे बेसिस है। वैकेंसी ये है आपका PRT कारण से स्पेशली बात करें तो 79942 है, लगभग 80,000 मांग के चलते हैं। अदर स्टेट वाले ज़्यादा है BTC वाले, एक और मेन रीजन है BTC जो करने वाले यानी DLED करने वाले बिहार में जो संख्या है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट से बहुत कम होती है। इवन बिहार में सिर्फ ज़्यादातर BEd करते हैं, तो इसकी भी रीजन्स हो गए 20 से 25% या 30% तक ही DLED करने वाले थे। इवन रिसेंटली आपका 2017 से जब से NIOS ने स्टार्ट किया DLED, जो कि कम पैसे में अमाउंट्स कम होता है, तो पैसे की बात नहीं करना, लेकिन उन्होंने तब से कुछ लोग DLED करना शुरू कर दिए जो कि 12th के बाद होता है, और ये सारी संख्या इधर बढ़ी है। दूर दूर सेंटर देने के कारण कई लोग एग्जामिनेशन सेंटर तक नहीं पहुँच पाए और नहीं दे पाए। कम समय मिला था प्रिपरेशन के लिए, सिलेबस का पता नहीं, ये सारे रीजंस मेरे ने बताए थे। देखते हैं कितने पॉइंटर्स मैंने लिखा है, मे भी कई और पॉइंटर्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-13 पॉइंट्स जो मुझे प्राप्त हुआ मैंने आपको बताने की कोशिश किया। अगर आप सिंपल कैलकुलेशन देखेंगे तो अतुल प्रसाद जो लास्ट बताए थे 3.8 लाख यानी जो एप्लीकेंट है वही है, सिर्फ DLED धारी हैं, DLED यानी BTC धारी हैं, वही अपेयर हुए हैं। उसमें मैं मान सकता हूँ कि 10% से 20% ऐसे होंगे उसमें अपेयर नहीं हुए यानी कि वो अब्सेंट हो गए, कुछ होंगे जो सीटेट में फेल हो गए, कुछ होंगे DLED में वो फेल हो जाएंगे। इन सारे को घटा करके मैं मानता हूँ ज़्यादा इसमें तो 1 लाख से ज़्यादा होगा, लेकिन फिर 80,000 मैंने निगेटिव कर दिया। रिमेनिंग 3 लाख अपेयर हुए, उसमें सीटेट ये सारे जो फेल होने के बाद
पास जो परसेंटेज होता है किसी भी कंपटीशन अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज होता है वो आपका 20 से 25%। हाय सर पूजा कमल, ओके हाय हेलो, नेक्स्ट पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन, सर 49 में ओबीसी में फीमेल बिहार में डीएलएड में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया है आपको, पूजा कोई दिक्कत नहीं है। सर ईबीसी फीमेल में 41 में चांसेस है, माया गुप्ता। नेक्स्ट है, चलिए टॉपिक्स पर हम आप इसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, ओम आर सीट से रिलेटेड ये 3-4 पॉइंटर्स को करके इसको कंप्लीट कर देंगे। ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया था, आप लोगों ने देखा था, लगभग 6-7 हज़ार लोगों ने देखा, उसको भी आप देख सकते हैं। ये मैं 40% मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, 25% दैट्स मैक्सिमम, लेकिन फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर बिहार में जनरल में फीमेल में 44 कोई चांस है? चांसेज बनती है संजीत कुमार मिश्रा। नेक्स्ट अब देखिए इसमें 40% पास मार्क्स है, यानी पासिंग मार्क्स आपका कितना है? 40 मैक्सिमम लेकर चल रहा हूँ, जो किसी भी एग्जामिनेशन देखिए आप सीटेट में ही 24% पास हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लेवल उसमें अलग है और इसका लेवल क्वेश्चन पेपर अलग है, और इसमें फेल होगा मैं फिर भी मानता हूँ। चलिए आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, धुरंधर हैं, मैक्सिमम होगा ज़्यादा ज़्यादा 40% पास करने वाला, तो इसका 40% निकालेगा तो 1,20,000 निकलेगा, और 60% फेल तो 1,80,000, इसको निगेटिव का हटा दीजिए यहाँ से। और 1,20,000 में दोनों हैं मेल और फीमेल, हालांकि मेल की संख्या 2-1% ज़्यादा होगी, इसमें 1-2% कम होगी, लेकिन 50-50 मैं इक्वल मानता हूँ, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता हूँ। तो 50% यानी कि 60,000 होगा मेल और 60,000 फीमेल होगी। इसमें मैक्सिमम जो होगा 20% ऐसे लोग होंगे जो 55+ लाने वाले हैं, 55+, ओके माया जी थैंक यू। नेक्स्ट 55+ लाने वाले, 55+ लाने वाले मैक्सिमम 20% होगा, इनका 20% निकालेंगे तो ये आ गए 12,000। सिमिलरली इसमें भी मानते हैं कि जिसमें आप फीमेल में भी 20% लाने वाले जो 55+ ला गए तो उसमें मैक्सिमम होगा 12,000। अगर आप सिर्फ जनरल का कटअप देखिएगा यूआर में तो 32,000 मिलता है, 16,000 इधर है, 16,000 इधर मिलता है, टोटल दोनों मिला करके 32,000, और दोनों के यहाँ पर मिलाएंगे तो 24,000, तो यहाँ फिर भी रिमेनिंग बताया 8,000। तो 8,000 को इन करने के लिए, कंपटीशन में अंदर घुसाने के लिए, तो उन कटअप को कम किया जाएगा, यानी 55 से कम कर दीजिएगा, 1-2 नंबर 3 नंबर भी कम कर देंगे 52 से लेकर के जितने भी, तो मे भी यहाँ पर 8,000 उनको कैंडिडेट मिल जाए, इसलिए मैंने बताया था आपका कटअप 54 से लेकर के ये देखिए 54 से 59 तक 2 नंबर और कम कर लीजिएगा, प्लस माइनस 2 यहाँ पर मैंने लिखा है, यानी 52 से लेकर 57 तक भी आता है तो आपका नो डाउट आपको चांसेस है। लेकिन हाँ अगर आप खुद को मानते हैं कि मैं 50 से कम हूँ तो इसमें आप बाहर हो जाएंगे, तो इसमें आपको दिक्कत होगी। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेशन देखिए इस तरह से आपका रहने वाला, पोल से नहीं है हमको, हमको भी सटिस्फेक्शन नहीं मिला, कई लोगों को आपको हो सकता है पोल से हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, कमेंट्स में असली में या फिर कॉल या वो आपके व्हाट्सअप में जो कनेक्टेड होते हैं कई लोग का रिस्पांस करते हैं तो वहाँ से हमको एक्चुअल डाटा मिलता है, जो आप लोग बातें करते हैं डेली के डेट में हम 10 से 15 लोगों से बात करते हैं और यहाँ से एक्चुअल प्रॉब्लम पता चलती है। कई लोगों ने कमेंट्स में दिक्कत कर दिया, कई लोगों ने आपका मार्कशीट में यही सोच के रखे थे बुकलेट में आंसर की में, लेकिन आप बी मार के आ गए या सी मार के आ गए, वाइस वर्सा हो सकता है, इन सारे रीजंस के कारण आप लोग को दिक्कत हुई। फर्स्ट टाइम 1-4 साल से सभी लोग वेट कर रहे थे मार्क्स बेसिस पर मेरा हो जाएगा बिहार यू और जितने भी लोग हैं अदर स्टेट का, ये है कि वो लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के कारण बीएड वाले हैं जिनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण वो 65+ नंबर ज़्यादा ला रहे हैं, नो डाउट उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर बिहार वाले डीएलएड की अगर आप बोलेंगे और वो 65 या 70+ ला रहे हैं जो कि वो हम समझने लायक नहीं है, वो उनकी संख्या नहीं हो सकती है। इन्हें आप अगर कोई क्वेश्चन रहता है इसको लेते हैं, उसके बाद इसको वीडियो को यहीं पर माइंड अप करते हैं। चलिए इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन, सत्यम गुप्ता सर बीएड शामिल हुआ है तो कितना जाएगा? जी इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, अगर बीएड शामिल होता है दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सत्यम गोपाल सर यूपी से 61 में डीएलएड है तो हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, मैंने आपको बताया आपको कोई भी निश्चित, बस अपने डीबी तैयार रखेगा। बीएड शामिल हो गया है सर? नहीं अभी कन्फर्मेशन नहीं है, कोई भी कन्फर्मेशन नहीं। हाय सर BC2 में आपका 59 में मेल हूँ, चांसेज है BC2 में चांसेज है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका जो एक बीएड का जो है हाइपोथेटिकल अगर लेते हैं तो कुछ 1% चांसेज है, इवन अगर सुप्रीम कोर्ट लाइन्स या फिर बिहार सरकार इस पर अड़ी हुई, क्योंकि इंटरनली बताना चाहूँगा कि उसमें संख्या ज़्यादा है, उसमें 70 या 75% से ज़्यादा लोग बीएड शामिल हो जाएंगे अगर वो अगर एक्सेप्टेंस दे जाता है। डीएलएड वालों को जो सीट है जिस तरह से 6th फेज में हुआ था 2019 में और उन लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी नियोजित शिक्षक वाले 2020 में, जो कि कई लोग कर रहे थे इंक्लूडिंग कई
मेरे फैमिली का भी पार्ट है और इवन में। चलिए बात करते हैं, तो उसमें डीएलएड की संख्या को, बीएड वाले ने डीएलएड की संख्या को खा गया था, सीट को खा गया। सिमिलरली इसमें भी होगा, अगर अलाउ कर दिया जाएगा तो 70 से 75% सीट यानी एक तिहाई सीट आपका बीएड खा जाएगा। अगर इसको ऐड किया जाता है 8 से 10 नंबर यहाँ पर ऐड कर लीजिए, 62 से लेकर के आप 70 तक मान के चलिए कटअप चल जाएगा यू आर का लिए, मेल के लिए। फीमेल के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका चल जाएगा 54 से लेकर के आप 8 नंबर यहाँ पर ऐड कीजिए, करते 56 से लेकर के 62 तक चला जाएगा। अगर ई डब्ल्यू एस की बात करें तो इसमें आप 7-8 नंबर ऐड करिएगा तो लगभग 55 से लेकर के 62 तक चला जाएगा। फीमेल के लिए रहेंगे तो ऑलमोस्ट 52 से लेकर के 57 तक चला जाएगा। ई बी सी टू में चले जाएंगे तो इसमें 7-8 नंबर ऐड कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 51 से लेकर के 56 तक जाएगा, इसमें आपका 50 से लेकर के 56 तक रहेगा। नेक्स्ट है आपका, अगर आप बात करेंगे बी सी मेल की तो उसमें आपका संख्या चली जाएगी 52 से लेकर के 57। फीमेल की बात करेंगे